हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू का रिव्यू करने वाली हूँ। ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है ये मेडिकेटेड है, और अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो आपको पता हो मैं ज़्यादातर मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ करती हूँ, और ज़्यादातर मेरे चैनल पर जो रिव्यूज़ मिलेंगे वो आपको मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स के मिलेंगे, क्योंकि मुझे मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करना बहुत पसंद है। अफोर्डेबल होते हैं और काम गजब का करते हैं। तो आज जिस मेडिकेटेड शैम्पू के बारे में बताने वाली हूँ वो है ये एवेलिया प्रोफेशनल परफॉर्मेंस सल्फेट फ्री शैम्पू। तो ये जो शैम्पू, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, और मेड प्लस फार्मा जो मेड प्लस के जो फार्मेसी होते हैं वहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया। वहाँ पर इस ब्रांड के सोप और शैम्पू, कंडीशनर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे और उन पर 50% ऑफ था। तो मैंने सोचा, एक तो 400 ml का पैक है, ऊपर से 50% ऑफ है, सल्फेट फ्री शैम्पू है, पैराबिन फ्री है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, तो मुझे इसको परचेज़ करके देखना चाहिए, एक बार यूज़ करके देखना चाहिए। क्या पता अच्छा प्रोडक्ट हुआ तो ये बहुत अच्छी डील होगी। तो कुछ दिनों से मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ, और साइज़ इसकी यही थी अवेलेबल, इस पर 50% ऑफ था। ऑनलाइन भी मेड प्लस से अगर आप परचेज करते हो तो इस पर 50% ऑफ है, और 2 ईयर्स तक ये बॉटल चलने वाला है। इसकी शेल्फ लाइफ है, 449 rupees का है, जिस पर 50% मुझे मिला, तो जस्ट हाफ रेट में मैं इसको लेके आई हूँ। तो इसी के बारे में मैं बताने वाली हूँ। ये जो शैम्पू है, ये शैम्पू क्लेम करता है कि डैंड्रफ से आपकी फ़ाइट करेगा, हेयर को कंडीशनिंग करेगा, सॉफ्ट बनाएगा, सिल्की बनाएगा, स्मूदन हेयर प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे क्लेम ये शैम्पू करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ किए गए हैं जो कि डैंड्रफ से आपके स्कैल्प को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी नेचुरल चीज़ें इसमें यूज़ नहीं की गई हैं। तो अगर आप कोई नेचुरल चीज़ों वाला ही शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, नेचुरल चीज़ें यूज़ नहीं की गई हैं। जो भी सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं वो आपके बालों को सॉफ्ट बनाएंगी, सिल्की बनाएंगी, कंडीशनिंग प्रोवाइड करेंगी, ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। और इसको यूज़ करने की बात करूँ तो जैसे शैम्पू हम यूज़ करते हैं वैसे ही करना है। बस आप इसको डाइल्यूट करके जब अपने स्कैल्प पे लगाएंगे तो 2-3 मिनट तक अच्छे से मसाज करना, फिर 1-2 मिनट तक ऐसे ही बालों में शैम्पू को लगे रहने देना, जिससे कि ये डैंड्रफ को अच्छे से फाइट करेगा। तो मैं इसको कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। आप अच्छे रिजल्ट के लिए इसको वीक में 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ कीजिए। ये जैसे और शैम्पू होते हैं ना एंटी डैंड्रफ, जिसकी स्मेल गंदी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये वैसा नहीं है, काफ़ी माइल्ड है। इसको यूज़ करने में बहुत माइल्ड लगता है। फ्रेगरेंस भी, जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं उनकी फ्रेगरेंस बिल्कुल अच्छी नहीं होती, इसके साथ ऐसा भी नहीं है, इसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी है। और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल से बने होते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिससे कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने लगती है, पर इस शैम्पू को यूज़ करके ऐसा भी नहीं हुआ। तो मुझे काफ़ी माइल्ड लगा, काफ़ी सॉफ्ट ये शैम्पू है, जो कि बालों को सच में बहुत ज़्यादा सिल्की बना देता है, अच्छे से कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप कंडीशनर स्किप भी कर दो ना तो सच में पता नहीं चलेगा, आपके बाल वैसे ही सॉफ्ट लगेंगे। और पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंडीशनर यूज़ ना करें। इसको यूज़ करने के बाद कंडीशनर, सीरम जो भी यूज़ करते हैं वो करना ही है। अब बात रही डैंड्रफ की, तो अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है और ईची स्कैल्प है, फ्लैक्स हो जाते हैं, वो सब है, तो शायद ये अच्छे से काम नहीं करेगा। पर अगर आपको माइल्ड सा डैंड्रफ है, आता जाता रहता है, माइल्ड सा डैंड्रफ है, उस पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो अभी मैं कुछ दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ। मेरे बालों में इतनी डैंड्रफ नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत डैंड्रफ है, ऐसा कुछ नहीं था, हल्का फुल्का डैंड्रफ था, जो कि ऑयली स्कैल्प पे अक्सर हो जाता है, तो उस पर बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ बालों को बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनाता है, सिल्की बनाता है। आपको इसको यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छा फील होगा। और अभी 50% ऑफ चल रहा है तो मुझे डील भी बहुत अच्छी लगी, मतलब मैं आगे भी इसको यूज़ ज़रूर करूँगी, काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप कोई ऐसा शैम्पू देख रहे हो जो आपकी माइल्ड डैंड्रफ को ट्रीट करे, बालों को हेल्दी बनाए, सिल्की बनाए, अच्छे से कंडीशनिंग करे, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल आप अभी इसको जाके परचेस कर लो,
ऑफलाइन भी ये जो मेड प्लस के स्टोर हैं वहाँ पर मिल जाता है, और फार्मेसी में अवेलेबल है या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मैंने इसको ऑफलाइन ही परचेज़ किया। तो बिल्कुल आप इसको एक बार परचेज़ करके देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे से स्कैल्प को साफ़ करता है, स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, जो ऑयल है उसको भी निकालता है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑयल को अलग करके बालों को ड्राई बनाए, ड्राई नहीं बनाता है, काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट रखता है, फ्रिज को कम करता है, टैंगल फ्री भी बनाता है बालों को। तो काफ़ी हद तक ये शैम्पू अच्छे से काम करता है, मतलब इस ब्रांड के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था और इसने बहुत अच्छा काम किया मेरे बालों पर। और बिल्कुल आप एक बार इसको यूज़ करके देखो और आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप इसको यूज़ कर चुके हैं तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कि आपने इसको यूज़ किया है, आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।